हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर में राजस्थान रोडवेज की हड़ताल के दौरान बुधवार को रोडवेज डिपो के बाहर कर्मचारियों ने टेंट लगाकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उस दौरान अध्यक्ष महेंद्र सिंह जोधा, सचिव बरकत खान पेंटर, अध्यक्ष किशन सिंह नरसाणा, सचिव भवानी सिंह, सहसचिव सैतान सिंह, उपाध्यक्ष मोइनुद्दीन सहित काफी कर्मचारी धरने पर मौजूद थे। वह नारेबाजी कर विरोध प्रकट भी कर रहे थे। गवर्नमेंट के खिलाफ 13 सूत्री मांगों को लेकर रात को 12 बजे के बाद में हड़ताल की। हमने कई बार सरकार के साथ में वार्तालाप की, लेकिन वो वार्तालाप सफल नहीं हुई और 13 सूत्री मांगों के लिए हमने 48 घंटे के लिए सरकार में हड़ताल की है। उसमें पूरा प्रशासन ठप है, बिल्कुल बंद है। स्टार्ट करीब ये रिटायरमेंट कर्मचारी का 600 करोड़ रुपया बकाया है, वो है। दूसरी मांग है 600 डीए और बोनस 16 और 17 का नहीं दिया है उसके लिए। तीसरी मांग है डीए जो हमारे 16 सातवां वेतन आयोग और डीए के एरियल अभी तक नहीं दिया गया है। किस्तें जितनी भी बड़ी है, 3 किस्तें डीए की ड्यू है, डीए की, वो उसका भुगतान किया जाए और रोडवेज के कर्मचारियों की भर्ती की जाए जो कमी है। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।